पुनिज्ञान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की एनुअल रिटर्न को एनेबल कर दिया गया जीएसटी पोर्टल पर। आपके लिए अभी ये सफिशियंट टाइम है आपके पास कि आप 22-23 की जो रिटर्न है एनुअल रिटर्न उसको करेक्ट तरीके से फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें जो भी आपकी 22-23 की मिस्टेक्स हैं वो अभी करंट ईयर यानी कि 23-24 में आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और जब आप इसको करेक्ट कर लेंगे तो आपका जो डाटा रिकंसिलेशन है वो भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो करंट मंथ अभी चल रहा है, अच्छा आप जिस भी महीने की रिटर्न फाइल करेंगे, अभी मई की रिटर्न अगर फाइल करेंगे GSTR 1/3B में, वो सारी की सारी डिटेल्स आप अपडेट कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो है एनुअल रिटर्न आपकी करेक्ट तरीके से फाइल हो जाएगी। बट एनुअल रिटर्न आपको पूरी की पूरी सही तरीके से ही फाइल करनी है। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से हम एनुअल रिटर्न भी फाइल करेंगे। रिटर्न के अंदर में आपको एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये जो 22-23 के लिए यहाँ पर जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ उसमें कुछ अलग से चेंज भी किए गए हैं, तो वो भी वीडियो में कवर करके चलूंगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ सेपरेट बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने अलग अलग सालों के लिए अलग अलग वीडियो भी अपलोड की हुई है। पहली वीडियो जीएसटी 9 की आएगी, सेकंड में अपलोड करूंगा 9C की। इसकी जो डेट है वो 31st December ही है। अब यहाँ पर डेट दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई डेट एक्सटेंशन की कोई ऐसी न्यूज है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है नो पर, उसके बाद देन नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। ज्यादातर जो टेबल्स हैं उसमें ऑटो फीडेड आती हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो काम करना है वो करना है डाउनलोड टेबल AT डॉक्यूमेंट डिटेल, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। पूरे साल की आपके पास आपकी परचेज की डिटेल्स आ जाएगी, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। इनवॉइस वाइज एक एक इनवॉइस, कोई ऐसा तो नहीं इनवैलिड आ रहा हो या किसी पर नो लिखा हुआ आ रहा हो कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला काम ये हो गया। सेकंड नंबर पे मैं आपको बता दूं कि जो इसकी टेबल नंबर 17 है, एडजेशन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये फाइल करना मैंडेटरी है। लास्ट ईयर 18 के लिए यहाँ पर एग्जेंप्शन उन्होंने दी थी, इस बार कोई ऐसी एग्जेंप्शन की न्यूज नहीं आई है, तो ये मान के चलिएगा आपको एडजेशन वाइज डिटेल्स परचेज की भी अपलोड करनी है। अगर कोई सेपरेट आएगी कि कोई एग्जेंप्शन मिलेगी उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये फाइल आई है इसका क्या यूज है, इसमें क्या क्या डाटा हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद मेरे पास ये एक्सेल फाइल आ जाएगी, इस एक्सेल फाइल को मैं यहां से ओपन करूंगा। तो डेबिट क्रेडिट नोट्स के एडजस्टमेंट भी आपको उस फाइल में मिलेगी, एक्सेल फाइल में सारे बिल एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अब चलते हैं सारी टेबल्स के, फटाफट से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। टेबल 4, इसके अंडर में आपको आपकी आउटवर्ड सप्लाई या फिर जो आपने इनवर्ड सप्लाई लायबिलिटी रिवर्स चार्ज है वो आपको दिखाई देगी। 5 नंबर पे जो आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर है जिस पर टैक्स पे नहीं करना होता है वो डिटेल्स यहाँ पर आएगी। 6 नंबर पे जो ITC आपने अवेल किया है वो एंटर डिटेल करनी है। 7 नंबर पे डिटेल जो ITC रिवर्सल है या एलिजिबल ITC है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। 8 में अदर ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसमें हम रिकंसिलेशन करेंगे कि हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली हमने क्लेम कितना किया है और 2A के बेस पर कितना डाटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ईयरली में आप जो है अब 2B का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, मंथली में आप 2B का कॉन्सेप्ट लगा चलते हैं। 2A के बेस पर आप अपना मार्च तक का पूरा कंपाइल करके सारा क्रेडिट यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो क्लेम, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा ITC रिवर्स करना था, क्लेम करना था, वो सारा का सारा काम आप 30 नवंबर तक आराम से कर सकते हैं, जो भी ये रिसेंट जा रही है GSTR 1/3 उसमें कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो इतने डेबिट क्रेडिट नोट्स है, हो सकता है आप जल्दी जल्दी इसको कंपाइल कर लीजिए। फिर उसके बाद 9 में टैक्स की डिटेल्स आती है, एडिशनल टैक्स बनेगा वो हम यहाँ पर पे करेंगे। 10, 11, 12, 13 के अंडर में जो है ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो कि स्पेसिफाइड पीरियड के अंडर में जो डिक्लेयर की गई थी लास्ट ईयर की ट्रांजेक्शन, वो यहाँ पर आपको दिखानी है जो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। द समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया, मतलब 22-23 के हमने 23-24 में रिपोर्ट किया। डिफरेंस टैक्स जो 10-11 की टैक्स बनेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड डिफंड्स, फिर उसके बाद कंपोजिशन टैक्स पेयर या फिर डीम सप्लाई जो वर्कर या गुड्स हैंड ऑन अप्रूवल बेसिस उनसे जो हमने परचेज किया उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। 17-18 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सिंपल सी रिटर्न है। अब हम चलेंगे टेबल 4 की तरफ। टेबल 4 में जो है डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आएगी, ये आएगी सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और नीचे आएगी रजिस्टर्ड पर्सन। इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डाटा है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है, मेंटेन करने और टैली में, बीजी में, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, उससे एक बार रिकनसाइल जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जो 20% से ज्यादा वैल्यू में आप चेंज करेंगे, जो ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ रही है, तो ये फील्ड हाईलाइट हो जाएंगे और इसके बेस पर आपको नोटिस आ सकता है। ध्यान रखिएगा कि जीरो एडिट सप्लाई के लिए 6 नंबर का है, एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ, सप्लाई टू SEZ के लिए अलग से यहाँ पर पेमेंट, जो हम पेमेंट करके यहाँ पर टैक्स पे करते हैं उसके लिए आ गया। ये फील्ड दोनों के लिए एनेबल नहीं है, तो इन्होंने हाइड किए हुए हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट
यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी है, एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, ए से लेके तक जो कवर्ड नहीं है, ये रिवर्स चार्ज के लिए आ गए, रिवर्स चार्ज में आपने कितना टैक्स दिया है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब एनुअल रिटर्न भरेंगे तो जो यहाँ पर टर्नओवर की वैल्यूज आएगी अभी यहाँ पर, क्योंकि इसमें एडवांस सप्लाई भी इंक्लूड होगी, तो हो सकता है वो आपकी बैलेंस शीट वाली टर्नओवर वैल्यू से मैच ना हो, उसके लिए एडजस्टमेंट रख लीजिएगा अलग से। फिर उसके बाद क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स की एडजस्टमेंट है, वो प्लस माइनस आपको यहाँ करना है, क्रेडिट नोट लेस करना है, डेबिट नोट एड करने हैं। डेबिट एंड क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट जीएसटी में अलग है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो लोड की भी है। कोई ऐसी सप्लाई है जो कि आपने अमेंडमेंट के थ्रू डिक्लेयर की थी या फिर रिड्यूस की थी, तो प्लस और माइनस दोनों आपको यहाँ लेना है, नेट वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद टेबल नंबर 5 पे चलेंगे, जो टेबल नंबर 5 है उसमें वो वाले आते हैं एग्जेम्प्टेड आपकी सेल्स होते हैं, टैक्स पे नहीं करना होता, जीरो रेट सप्लाई सप्लाई टू एसईजेड विदाउट टैक्स ऑफ पेमेंट, टैक्स ऑफ पेमेंट करिए एसईजेड तो फर्स्ट वाले में आएगी यानी टेबल नंबर 4 में आएगी, अदरवाइज जो है टेबल किसी वाले टेबल में वो कवर होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि इसमें वैल्यूज केवल एंटर करनी है, बट लेकिन वो भी आपकी टर्नओवर का पार्ट रहेगी, आपको अपने बुक से रिकनसाइल करके चलना है उनको, तो सारी वैल्यूज यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आप ड्यूरिंग देयर में कोई मिस आपने कर दिया था, एग्जेम्प्टेड हो, रिलेटेड हो, नॉन जीएसटी अप्लाई हो, या उनके रिगार्डिंग डेबिट क्रेडिट नोट्स हो, या सप्लाई इंक्रीज हो डिक्रीज की हो, नेट वैल्यू आपकी टर्नओवर के यहाँ से मैच हो जाए। बट इसमें ध्यान रखिएगा जो रिवर्स चार्ज वाली है उसको एक्सक्लूड करके चलेगा, वो यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, क्योंकि रिवर्स चार्ज एक्चुअल में टर्नओवर का पार्ट नहीं भी होता है, इनवर्ड सप्लाई के रेट में हम वो पे करते हैं। अब इस वाले टेबल में हम वैल्यू खुद से एंटर करेंगे इस वाले टेबल के अंदर में, ठीक है। ये वो वाले टैक्सेस है जो कि आपने 3P में क्लेम किए हैं। अब इसमें आपको तीनों का मतलब सर्विस का या फिर जो मटेरियल आपने यूज किया है और कैपिटल गुड्स, तीनों का आपको अलग अलग बाइफरकेशन करके डालना है। पहले बात करेंगे इनवर्ड सप्लाईज की, कि परचेज की वैल्यूज आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इनपुट का मतलब है जो मटेरियल यूज हुए हैं, कैपिटल गुड्स का मतलब है जो फिक्स एसेट्स टाइप के एसेट्स हैं कैपिटल गुड्स, थर्ड नंबर पे आता है जो आपने सर्विसेज ली है, ठीक है। और इसमें भी वो आपको लेनी है जो कि आपकी एलिजिबल वाली आईटीसी से, तो यहाँ पर लेनी है इनवर्ड सप्लाई की, अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज, बी कॉलम में आपको इन तीनों में एंटर करनी है। फिर उसके बाद इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि लेवल टू रिवर्स चार्ज, इस पर आपने टैक्स पे किया हुआ है, वो यहाँ पर एंटर करनी है। और डी नंबर पे इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लेवल टू रिवर्स चार्ज, तो ये वाली दोनों जो है रिवर्स चार्ज से रिगार्डिंग है, और ये जो हमने नॉर्मल परचेज किया है उसकी है, लेकिन इसमें एसईजेड जो सर्विस ली है वो इंक्लूड आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में इनपुट्स की कैपिटल गुड्स की, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस का अलग से यहाँ पर कॉलम दिया गया है एफ, तो ई इसके लिए गुड्स के लिए, एफ जो है वो सर्विसेज के लिए है। अब है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी, तो आईएसडी का स्पेशल केस होता है कि वो अपनी यूनिट्स को सब एलोकेट करता है। अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, बी के अलावा कोई ऐसा आईटीसी है जो कि इन वाले के अलावा जो आपने इस साल में किसी प्रोविजन के तहत क्लेम किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए पूरा कंसीडर कर लेता हूँ, मैं कोई सर्विस नहीं लिया, कैपिटल गुड्स इस साल में नहीं है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी और आपकी जो रिटर्न है वो गलत हो जाएगी, मतलब यहाँ पर इसके अंडर में आपको फील्ड, ये जो फील्ड्स हैं फिल करना जरूरी है। और यहाँ पर जो है आप 3B वाली नहीं, जो एक्चुअल में आपकी है इनपुट्स आपके पास एलिजिबल आईटीसी जो कि आप अपने बिजनेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो आईटीसी 3B में क्लेम किया हुआ है वो करेक्ट है। इसी तरह से आपको यहाँ पर अगर बिल्कुल पूरा का पूरा मैच है तो डिफरेंस आपका 0 आ जाएगा, अगर ये प्लस माइनस में फिगर चलेगी तो माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ये ट्रांसफर ट्रांसटू वाले ज्यादातर इनका कोई यूज रहा नहीं है, बाकी कोई अदर ऐसा आईटीसी है जो कि आपने अवेल किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदर्स के लिए भी काफी कॉलम से उन्होंने प्रोवाइड किया है। अब मेन पॉइंट आता है जो आपका टेबल नंबर 6 है और 8 है, ये आपस में है लिंक, ये वाले और ये वाले, तो ध्यान रखें कि अगर ये 6 और 8 आपका मैच हो गया फिर तो आपको नोटिस आने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। जितना आईटीसी आपने क्लेम किया है उतना आपके 2A के हिसाब से आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1-2 रुपए का कोई डिफरेंस अगर रह जाए तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर इनमें डिफरेंस रह जाता है, सपोज करो कि आप हम मान के चलते हैं हायर साइड ले लेते हैं पहले कि 2A में ज्यादा आ रहा है और हमने यहाँ पर कम क्लेम किया है, तो ये स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर में आप ये क्लेम कर लीजिएगा, वो वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर 2A में कम आ रहा है और 3B में आपने ज्यादा ले लिया तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक केस ये वाले भी है कि जहां पर 2A में ज्यादा आ रहा है हमने कम लिया है, बट वो मेरा आईटीसी जो है वो मैंने अवेल नहीं किया, अवेलेबल तो था बट लेकिन मैं अवेल नहीं किया और मुझे अवेल भी नहीं करना, तब मुझे यहाँ डालना है। लेकिन मैं अगर उसको अप्रैल से लेके नवंबर तक क्लेम करना चाहता हूँ तो फिर मुझे वो फील्ड्स यहाँ पर एंटर करना है सी वाले में, तो क्लेम करना बेटर रहता है, आप अपने क्लेम कर लीजिएगा, आप लॉस क्यों करेंगे फालतू में। तो ई वाले कॉलम का कोई ज्यादा यूज नहीं है, एफ वाले में बिल्कुल यूज होगा,
वो आईटीसी जो कि इनएलिजिबल है। जैसे सपोज करिए हमें व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलता है तो हम जो है यहाँ पर वो आईटीसी एंटर करेंगे, बिल्कुल आपको एंटर भी करना है, ठीक है, तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो है आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एससीजेड, तो जो ये 2A वाली फिगर है इसमें इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू नहीं आएगी, तो आपको वो यहाँ पर अलग से एंटर करना है। वो ध्यान रखिएगा जो बिल ऑफ एंट्रीज आपके पास आती है उनसे वो मैच होके हो, वैल्यूज ज्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पर ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली होगी, तो यहाँ पर जो आपका आईटीसी है अगर कोई लैप्स है तो वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है ये वाले जो कॉलम्स हैं ये दो कॉलम्स यहाँ पर नए अपडेट किए हैं, तो जो आईटीसी आपका यहाँ पर रह जाएगा इन वैल्यूज में वो आपका इस साल में लैप्स हो जाएगा। तो लैप्स अगर नहीं कराना है तो फिर आपको उसको यहाँ पर एंटर करना है सी वाले कॉलम में, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब वो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड भी हो सकता है या नॉर्मल परचेज से रिलेटेड भी हो सकता है, तो आप उसको यहाँ पर डाल के क्लेम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको सेव कर देंगे, ठीक है, ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। अब मैं चलूंगा डायरेक्ट यहाँ पर, मैंने 8 नंबर की टेबल भी बता दिया आपको, 7 में जो है आईटीसी डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स, तो ये स्पेशल केस है, डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। रूल 37 में 39 में 42 जो कि आपको बायफर्केट करना होता है, 43 में बायफर्केट करना होता है, सेक्शन 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट है, ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट कैसे है कि जो ये वैल्यू जा रही है, देखिए नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन जो मेरा यहाँ पर यूटिलाइज होने जा रहा है मेरा आईटीसी इस वाली टेबल से यहाँ पर आ रहा है, तो बीच में जो आईटीसी रिवर्स आपको करने हैं, देखिए उसके लिए हमने यहाँ पर 8 में भी दिया है कि भाई आपका ऐसा कौन सा इनएलिजिबल आईटीसी था जो आप वहां नहीं बताना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एंटर करते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि मेरे वो ऐसे आईटीसी जो कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर में रिवर्स करे हैं, तो जैसे सपोर्ट करें अब मैं यहाँ पर 17 वाले का ले लेता हूँ, मैं 1000 रुपए यहाँ पर ले लेता हूँ, तो मेरा ये लेस हो जाएगा कि मेरे पास आ तो रहा था बट लेकिन मैंने उसको यहाँ पर रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेरी टेबल नंबर 6 में जो मैंने क्लेम कराया उसमें से अब मैं ये वैल्यू रिवर्स करूंगा, तो जैसे मैं रिवर्स करूंगा तो मेरी तुरंत लायबिलिटी बनेगी, मतलब एनुअल आप जब आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल करी तब आप भूल गए लेना, रिवर्स करना भूल गए, अब चाहे तो आप सारे को आईटीसी को जितने भी आपके इनएलिजिबल वाले हैं या जो आईटीसी आपको रिवर्स करना है वो रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 17 बाजू ब्लॉक क्रेडिट आता है, ट्रांस 1 ट्रांस 2 का तो काफी टाइम हो चुका है, या कोई भी अदर भी अगर रिवर्सल आपको करना है तो आप यहाँ पर स्पेसिफाइड करते हुए उसको रिवर्स कर सकते हैं, वो तुरंत के तुरंत यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूँ कि कोई भी ऐसा आईटीसी नहीं है, तो 7 नंबर की टेबल बताने का बाद में रीजन यही था कि पहले मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 6 में अगर करेक्ट आईटीसी है रिवर्सल वाला केस नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट आपको 6 को 8 से मैच करा के चलना है, यही आपका जीएसटी का रिकंसिलेशन भी है। अगर रिकंसिलेशन मैच नहीं होता है तो नोटिस आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद 9 में जो टेबल की वजह से अगर लायबिलिटी आती है अलग से तो आपको पे करनी पड़ेगी, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टेबल है इसमें डाटा ऑटोमेटिकली आता है, ये वैल्यू जो आपको बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो कि हमने अगर से कोई अलग से टैक्स पेबल बनाया है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर उसका हमें अलग से पेमेंट भी यहाँ पर करना पड़ेगा। DRC 03 के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, एनुअल रिटर्न का उसमें ऑप्शन आता है। DRC 03 में रिसेंटली चेंज आया था, वो मैंने अपलोड किया हुआ, आप एक बार यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी इस टाइप की वीडियो आपको मिलेगी, आप वीडियो देखेंगे तो 100% आपको नॉलेज मिलेगी। वैसे रजिस्ट्रेशन फाइलिंग जीएसटी सब कुछ अपडेट मैं पर करता रहता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ, टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 काफी इंपॉर्टेंट हमारी टेबल्स हैं। पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड, तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो टेबल की बात की जा रही है पिछले साल से रिलेटेड कुछ नहीं है, 22-23 के लिए, तो 22-23 के लिए डाटा हम यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। अब क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये वो चीज आपसे एंटर करवा रहा है, पहले वहां पर उन्होंने टेबल 8 में एंटर करवा दी, अब वो क्या करवा रहा है, वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो टर्नओवर के एडजस्टमेंट्स है वो आप यहाँ पर करें। टर्नओवर के एडजस्टमेंट कैसे करें, अब मैं आपको बता देता हूँ। जो टर्नओवर मतलब आपने जो सेल्स में अगर कोई सप्लाई को बढ़ाया है, डेबिट नोट्स इशू करे हैं या फिर सप्लाई को इंक्रीज किया है, एक ही बात है, या सप्लाई को डिक्रीज किया है या फिर क्रेडिट नोट दिए हैं, तो उनकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और यहाँ पर टैक्स उनका कितना आ रहा है। देखिए इस वाले फॉर्म के थ्रू आप रिफंड तो क्लेम नहीं कर सकते हैं बट अपनी वैल्यूज को कम कर सकते हैं, और वैल्यू को कम करने की वजह से आपकी जो नेक्स्ट ईयर की रिटर्न है यानी कि 23-24 की रिटर्न है उसमें इसका इफेक्ट आएगा। इफेक्ट कैसा आएगा, आपने 22-23 का कोई क्रेडिट नोट इशू किया 23-24 के अंदर में, ये अलाउड करता है प्रोविजंस में लिखा हुआ है, तो उस साल का जो टैक्स आपका कम हो गया ना, इसीलिए आपको ये टर्नओवर का रिकंसिलेशन करना ही। टेबल नंबर ये जो 10, 11, 12, 13 वाले पॉइंट्स, इसमें रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था
उसका कोई रिवर्सल अगर आपने करा है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कि आईटीसी जो आपने अवेल किया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए स्पेसिफाइड पीरियड में, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। और उसकी जो एडजस्टमेंट्स है वो क्योंकि टर्नओवर के अगेंस्ट में, क्योंकि टैक्स की जो एडजस्टमेंट है वो उससे हो गई है, जितना भी आईटीसी है आपका वो एडजस्टमेंट होता चल रहा है आपके टैक्स से। फिर इसके बाद सेव पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बैक कर देना है कोई अगर चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट में उसके बाद जो है इसकी वजह से जो डिफरेंशियल टैक्स बनेगा आपका, डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 एंड 11, वो आपको एक बार चेक कर लेना है अगर कोई टैक्स आ रहा है तो। 15 में डिमांड एंड रिफंड, जो भी ड्यूरिंग द ईयर में आपके कोई डिमांड या रिफंड बने हैं उनकी वैल्यू आपको एंटर करनी है। स्पेशल केस है, आपकी रिटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। 16 में भी सप्लाई रिसीव हुई है, ये केवल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, डीम्ड सप्लाई कितनी है जो वर्क से या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, इसका टैक्स पर कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला है, बट ये एंटर करना जरूरी है, आप इसको एंटर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं एचएसएन वाली, तो एचएसएन के लिए एचएसएन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है उसी तरह से, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक एचएसएन एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, अभी मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर में ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग द ईयर में जितने भी आपने सेल आउट किए हैं उसकी टोटल क्वांटिटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, वो आपको यहाँ पर सेव करना है, खुद से मैनुअली एंटर करना है। मान लिया 1,000 पीस आपने यहाँ पर बेचे हैं और टैक्सेबल वैल्यू मैं यहाँ पर अभी 1,00,000 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, और जो सेल है वो मैं लोकल कंसिडर कर रहा हूँ, तो लोकल में यहाँ पर इस तरह से आपको लेना है। इसमें 1-1 रुपए पैसे तक भी मैच होंगे, तो अगर एक भी वैल्यू अगर आपकी मैच नहीं होती तो ऐड नहीं होने देगा। फिर उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। बट जैसा मैंने बताया, अगर ये वैल्यू में रुपीज पैसे में भी डिफरेंस आएगा तो ऐड नहीं करने देगा। इसी तरह से परचेज की वैल्यूज भी आपको ऐड करनी है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपको अपनाना है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारी कंप्लीट हो गई, 17-18 यहाँ पर मैंडेटरी है। उसी तरह से ऊपर की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि टेबल नंबर 4-5 में तो अगर डिटेल जब आएगी 6-8 इनका रिकंसिलेशन बना के चलिएगा, और आपकी जो इम्पोर्टेंट टेबल है वो है 17 और 18, ये आपकी कंप्लीट रिटर्न थी। उसके बाद कंप्यूटर लाइबिलिटी पर क्लिक करिएगा, ये जो यहाँ पर एक आइकन आपको मिलेगा उस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो रेडी हो जाएगी। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये फाइल का ऑप्शन तब तक नहीं आएगा जब तक हम यहाँ पर क्लिक नहीं करते, तो एक बार प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, प्रीव्यू से डाउनलोड होगी पीडीएफ, उसको एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फाइल पर क्लिक करना है, ओटीपी से वेरीफाई कराना है, और जब तक आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, मतलब या ईबीसी से जब तक आप इसको अपलोड नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीपल टाइम्स इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बैक कर देता हूँ, फिर अपनी रिटर्न मैं वहीं से एक्सेस करूंगा। तो जब तक मैं इसको फाइल नहीं कर रहा तब तक ये रिटर्न आपकी सेफ है, जब तक ईबीसी वेरीफाई नहीं होता आप इसमें मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फाइल नहीं मानी जाएगी, देखिए फाइल नहीं आ रहा लिखा हुआ, और जो जो आपने एक्शन लिया है वो सारा सारा डाटा यहाँ पर चेंज। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने का, जल्दी से जल्दी टाइमली इसको फाइल करें, जितना आप डिले करेंगे उतना जो है आपको डाटा में प्रॉब्लम होगी, आपकी जो गलतियां हैं वो बार बार गलतियां निकल के आती रहेंगी। तो अपने डाटा को फ्रीज करिए टाइम लिमिट के साथ, ताकि आप इनकम टैक्स की एनुअल रिटर्न, बुक्स ऑफ फाइनेंसियल्स एंड जीएसटी का डाटा सही टाइम से कंपाइल कर पाए, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन नॉन ऑडिटेड केस वालों के लिए जो है वो आईटीआर फाइल करने की डेट है 31 जुलाई, तो उससे पहले आप कंपाइल कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इसी तरह से काफी सारी वीडियो जैसे मैंने बताया आप चैनल पर जरूर देखिएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।